हेलो दोस्तों, सुभाष टॉक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल पर किस टाइम पर आपको वीडियो को पोस्ट करना चाहिए या आप YT स्टूडियो एप्लीकेशन से कैसे पता कर सकते हैं। ऐसे तो दोस्तों वीडियो आप कभी भी पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके चैनल पर जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो आपके व्यूअर्स हैं, जो आपके ऑडियंस हैं, उनके लिए एक सही समय क्या रहेगा आपको YT स्टूडियो में ही पता चल जाएगा कि किस टाइम में आपको वीडियो को पब्लिक करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सुभाष टॉक यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि यूट्यूब से जुड़ी जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर किस टाइम पर हमें वीडियो पब्लिश करना चाहिए ताकि हमारा जो व्यू है वो सही से आए। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो आप YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन कीजिए और आपका जो यूट्यूब चैनल है उसे आप लॉग इन कर लीजिए। आप देख सकते हैं हमारा सुभाष टॉक यूट्यूब चैनल यहाँ पर लॉग इन है। अब हम जानेंगे कि हमारे चैनल पर हमारे जो ऑडियंस है वो किस टाइम पर एक्टिव रहते हैं। अगर उसी टाइम पर हम वीडियो पब्लिश करते हैं तो अच्छा खासा रिस्पांस मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आपको एनालिटिक्स का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप एक बार टैप कर दीजिए। एनालिटिक्स पर जैसे टैप करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको राइट साइड स्वाइप करना है। जैसे आप यहाँ स्वाइप करते हैं ऊपर में आपको एक ऑडियंस का बटन मिलेगा, यहाँ पर आपको आना होगा। उसके बाद नीचे आइए, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन योर व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब, इस पर आप एक बार टैप कर दीजिए। यहाँ पर जैसे टैप करते हैं तो आपके सामने दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पूरा टाइम और डेट के साथ यहाँ पे आपका यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, जिसमें यहाँ पे टाइम लिखा हुआ रहेगा और यहाँ से संडे से सैटरडे तक। तो जो भी दोस्तों आपका यहाँ पे डैशबोर्ड में दिया हुआ है, जो ग्राफ दिया हुआ है, उसे अगर आप फॉलो करके वीडियो पब्लिश करते हैं तो आपको अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलेगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर बता रहा है कि रात के 11:59 से लेकर के आप देख सकते हैं 5:59 तक, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्राफ है यहाँ पर फ्यू लिखा हुआ है, मतलब फ्यू व्यूअर्स यहाँ पे बहुत ही कम एक्टिव रहते हैं। अगर हम रात के 11 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक पब्लिश करते वीडियो तो हमारे पास उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे उतना एक्टिव नहीं रहते हैं व्यूअर्स। इसके बाद देख सकते हैं मॉर्निंग में 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक भी हल्का फुल्का एक्टिव रहते हैं। इसका ग्राफ नीचे लिखा हुआ है कि कौन सा ग्राफ में आपका कितना व्यूअर्स है एक्टिव और कितना नहीं है। अगर यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिव की बात करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि 5:59 से शाम से लेकर के यहाँ पे देख सकते हैं 10 बजे रात तक यहाँ पे ज़्यादा हाईलाइट है। तो आप अपने चैनल पर इस ग्राफ को चेक कीजिए, सबके चैनल पे अलग अलग ग्राफ होंगे और उस ग्राफ में से सबसे ज़्यादा जहाँ पे हाईलाइट दिख रहा है, यानी कि मैनी व्यूअर्स जहाँ पे दिख रहा है, ठीक उसी प्रकार से संडे से सैटरडे तक आप यहाँ पर ग्राफ चेक कर लीजिए कि किस दिन में आपको कौन सा समय पर वीडियो पब्लिश करना चाहिए। अगर आप इस ग्राफ को फॉलो करते हैं तो आपको अच्छा खासा रिस्पांस मिल सकता है। तो ठीक इसी प्रकार से दोस्तों आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो को अगर आप पब्लिश करते हैं इसमें देख करके अपना ग्राफ के अनुसार, तो आपको अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है। ऐसे तो यूट्यूब चैनल पर आप कभी वीडियो पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन आपके चैनल पर जो ऑडियंस है, जो आपके चैनल को सब्सक्राइब किए हैं वीडियोज़ को देखने के लिए, अगर उसको आप फॉलो करते हैं तो आपको यहाँ से अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। आई होप कि आपको पता चल गया है कि आपके यूट्यूब चैनल पर आपको किस टाइम पर वीडियो को पब्लिक करना चाहिए। वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।